अगर आप हॉकिंस या फ्यूचरा के अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रोटी या पराठे के हिसाब से एक तवा सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल चार तवे सजेस्ट करने वाला हूं। यहां पर है मेरे पास में फ्यूचरा का एक कास्ट आयरन तवा, एक है हॉकिंस का ट्रिपल ई स्टेनलेस स्टील रोटी तवा, एक है मेरे पास में सिरेमिक नॉन स्टिक तवा और एक है हार्ड एनोडाइज तवा। हर तवा अपने आप के अंदर खास है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के अंदर देखने को मिलता है, साथ साथ बहुत ही अच्छी खासी थिकनेस के साथ में ये प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके लिए सबसे परफेक्ट कौन सा रहने वाला है, क्या खास है जिसकी वजह से ये जो तवे हैं काफी वैल्यू फॉर मनी बनते हैं, इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल दूंगा, किस रेट पर मिलने वाले हैं ये भी बताऊंगा, तो इसके लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहें। इस टाइप की वीडियोस मैं लोकेश आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूं जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ में बने रहिए। साथ ही साथ इन चारों तवों में से किसी भी तवे को बहुत ही अच्छी रेट में अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इनका बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इजिली इन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं। और जो मेरा दिया हुआ लिंक है वो मेरा एफिलिएट लिंक है, वहां से आपको एक रुपया भी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्लीज एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। जब भी कोई प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो कुकवेयर है जिसके ऊपर हम कुकिंग करने वाले हैं, उसके अंदर जो हम खाना बनाने वाले हैं, वो फूड ग्रेड है या नहीं है। आज की डेट के अंदर सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद में पैसा। अगर इस चीज के बारे में हम सोचते हैं तो यहाँ पर जो चारों तवे रखे हुए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ पे रखे हुए सारे के सारे तवे 100% फूड ग्रेड है। अब किस तरीके से, क्या क्या फीचर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक की जानकारी देना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्यूचरा के इस कास्ट आयरन तवे के साथ है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एक ब्लैक कलर का तवा आपको देखने को मिल जाता है। हमारे पुराने जमाने के दादा नानी उस टाइम के जो तवा हुआ करते थे वो कास्ट आयरन तवे ही हुआ करते थे, मतलब आप कह सकते हैं लोहे के जो तवे होते थे वो सबसे बेस्ट रहते हैं। लोहे का कोई भी बर्तन, कोई भी कुकवेयर अगर आप परचेज करते हैं तो सबसे पहले चीज तो ये होती है कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं नेचुरली नॉन स्टिक होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप धीरे धीरे कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर नॉन स्टिक की फीचर्स डेवलप्ड होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी तरह की कोई भी कोटिंग ना होने के बावजूद भी आप इसके अंदर काफी कम ऑयल के अंदर खाना बना सकते हैं। जैसे कि ये जो तवा रखा हुआ है, रोटी चपाती पराठा, इन सभी चीजों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो काफी कम ऑयल के अंदर इसके अंदर पराठा भी बना सकते हैं, चपाती के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस टाइप के जितने भी तवे होते हैं उनके अंदर सबसे मेन चीज ये होती है कि थोड़ा सा वेट लिए होते हैं, थोड़ा सा वजन लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास में फ्यूचरा का कास्ट आयरन तवा है ये भी थोड़ा वेट के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पर अराउंड 1.5 केजी के आसपास का ये तवा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें डायमीटर की तो 24 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ में ये तवा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक अगर इसके लंबाई की बात करें तो 33 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये तवा। उसके अलावा थिकनेस बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर इसका जो बेस है वो आपको 5 mm थिकनेस के साथ में देखने को मिलता है। इसकी वजह से आप लो से मीडियम, मीडियम से हाई फ्लेम पर भी काफी इजीली जा सकते हैं। जो भी आप इसके अंदर कुकिंग करेंगे, अगर चपाती बना रहे हैं या फिर पराठा वगैरह बना रहे हैं तो उसके जलने के जो चांस है वो काफी हद तक कम रहते हैं। ये जो है प्री सीजन किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से ताकि इसके ऊपर जंग वगैरह ना लगे। इसके अलावा इस टाइप के जितने भी कास्ट आयरन के कुकवेयर होते हैं, कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं, उनको आपको क्या करना होता है कि काम मिल गया उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल से सीजनिंग करी, उसके बाद में इसे रख दिया, काफी लंबे टाइम तक ये जो प्रोडक्ट है आपके साथ में बने रहेगा, आप काम में लेंगे, उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपने अच्छे तरीके से इसको यूज में लिया तो काफी लंबे टाइम तक एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीजनिंग का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जंग ना लगे, बस उसके अलावा आपको इसकी बिल्कुल भी केयर करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें गैस के ऊपर, ये जो तवा है इजिली चल जाने वाला, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। कभी कभार इस टाइप के कास्ट आयरन के बर्तन इंडक्शन पर भी चल जाते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक हैलोजन इस टाइप के जितने भी कुकटॉप होते हैं उनके ऊपर भी काफी इजीली चल जाते हैं। अब अगर बात करें वारंटी की तो ये जो तवा है आपको 5 ईयर वारंटी के साथ में देखने को मिल जाता है, तो 5 साल तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। वैसे इसके अंदर बिगड़ने वाला है क्या, रेट की बात करें तो 1525 मतलब 1525 रुपए इसकी प्रिंट रेट है और अराउंड जो है 10% के आसपास आपको लेस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट तवे की जो की है हमारे पास में यहाँ पर, ये है हॉकिंस का एक ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील पराठा तवा। अब यहाँ पर मैं पराठा तवा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर आपको हनीकॉम नॉन स्टिक देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दो तरीके के तवे आपको देखने को मिलते हैं, एक तो हनीकॉम नॉन स्टिक के साथ में देखने को मिलता है और एक विदाउट हनीकॉम नॉन स्टिक के साथ में आपको एक तवा देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि रोटी किसके अंदर परफेक्ट बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो मेरे पास में फीडबैक आता है वो मिक्स फीडबैक आता है। कई लोग रोटी के हिसाब से ये वाला तवा प्रेफर करते हैं जिसके अंदर हनीकॉम नॉन स्टिक देखने को मिलती है और कई लोग रोटी चपाती के हिसाब से सिंपल विदाउट
विदाउट हनीकॉम नॉन स्टिक वाला तवा प्रीफर करते हैं। ये जो हनीकॉम नॉन स्टिक है ये मेटल स्पून फ्रेंडली होती है, मतलब मेटल का चम्मच वगैरह आप इजीली इसके ऊपर चलाइए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी लंबे टाइम तक ये नॉन स्टिक कोटिंग एज इट इज रहती है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया ये जो तवा है ट्रिपलाई स्टेनलेस स्टील तवा है, यहाँ पर ट्रिपलाई होने की वजह से अगर रोटी या पराठा वगैरह आप बनाते हैं तो उसके चिपकने के चांस काफी हद तक कम रहते हैं। ट्रिपलाई में जैसा आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पर 3 लेयर्स देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको 304 ग्रेड की 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील देखने को मिलती है, ताकि आपका जो खाना है वो 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के ऊपर ही पके। उसके बाद में बैक साइड में आपको 430 ग्रेड की मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील देखने को मिलती है, ताकि ये जो तवा है गैस इंडक्शन सिरेमिक हैलोजन इन सभी कुकटॉप पर काफी इजीली चल सके। उसके अलावा ये दोनों लेयर्स जो कि आपको स्टेनलेस स्टील की दी गई है उसके बीच में आपको एक बहुत ही अच्छी थिक एल्यूमिनियम की शीट देखने को मिलती है। अब एल्यूमिनियम की खास बात ये होती है कि इसके अंदर खाना चिपकने के चांस काफी हद तक कम रहते हैं और स्टील 100% फूड ग्रेड होता है, तो दोनों के फीचर्स आपको इस ट्रिपलाई तवे के अंदर देखने को मिलते हैं। खाना आपका स्टील में पकेगा लेकिन एल्यूमिनियम की वजह से आपका खाना जो भी आप पराठा वगैरह बना रहे हैं वो चिपकने की चांस काफी हद तक कम रहेंगी। थिकनेस इस तवे की काफी अच्छी देखने को मिलती है, अगर ट्रिपलाई की थिकनेस आपको अराउंड 3 mm के आसपास देखने को मिल जाए तो आप ये मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वहीं पर इस तवे के अंदर आपको 3.5 mm के आसपास की थिकनेस देखने को मिल रही है, तो आप बेझिझक अगर एक ट्रिपलाई रोटी तवा सर्च कर रहे हैं तो ये जो तवा है काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं हनीकॉम नॉन स्टिक परचेज करना तो हनीकॉम नॉन स्टिक तवा भी परचेज कर सकते हैं। इसकी खासियत ये होगी कि आप काफी कम ऑयल के अंदर जो है आप पराठा वगैरह बना सकते हैं। अगर आपने सिंपल ट्रिपलाई स्टेनलेस स्टील तवा परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वुडन हैंडल देखने को मिलता है, रोज वुड का हैंडल देखने को मिलता है, ये शीशम का हैंडल है, 2 रिवेट्स लगाकर बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कसा गया है। यहाँ पर हैंग करने के हिसाब से भी आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, किचन के अंदर जो है काफी आराम से आप स्पेस को सेव कर सकते हैं। तो 26 सेंटीमीटर साइज है इसका, और रेट की अगर बात करें तो 26 सेंटीमीटर डायमीटर के इस तवे की जो प्रिंट रेट मेंशन की गई है वो है 1825, मतलब 1825 रुपए, और अराउंड यहाँ पर भी आपको 10% के आसपास लेस देखने को मिल जाएगा। बेझिझक इस रेट पर इस तवे को आप परचेज कर सकते हैं, 5 ईयर की वारंटी इस प्रोडक्ट के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर वुडन हैंडल होने की वजह से ये जो तवा है डिशवॉशर सेफ नहीं है, तो इस चीज में थोड़ा सा यह माइनस पॉइंट है, बहुत ही जल्दी हो सकता है इस वुडन हैंडल को कंपनी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए और यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील का होलो हैंडल देखने को मिल जाए। जब इस टाइप का तवा हॉकिंस लॉन्च करेगी तब इस चीज को भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एट ए टाइम ये वाला मॉडल सबसे बेस्ट है ट्रिपलाई के अंदर, बेझिझक जा सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट तवे की अगर बात करें तो वो है यहाँ पर हॉकिंस का एक सिरेमिक नॉन स्टिक तवा। सिरेमिक नॉन स्टिक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी पीटीएफ कोटिंग या फिर हार्ड मेटल्स वगैरह यूज में नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पर सिलिका यूज में ली जाती है, जिसकी वजह से इस तवे के ऊपर जो है नॉन स्टिक फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बेस मेटल इस तवे का एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर जब सिरेमिक कोटिंग कर दी जाती है तो एक तरीके से ये फूड ग्रेड तवा हो जाता है। आप काफी कम ऑयल के अंदर पराठा वगैरह बना सकते हैं, रोटी चपाती के हिसाब से तो परफेक्ट है ही। साथ ही साथ थिकनेस आपको इस तवे की काफी अच्छी देखने को मिलती है, 4.88 mm थिकनेस के साथ में ये तवा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिरेमिक नॉन स्टिक की एक खास चीज ये भी होती है कि काफी हाई हीट के ऊपर भी ये जो सिरेमिक कोटिंग है वो खराब नहीं होती है। साथ ही साथ जो नॉर्मल पीटीएफ कोटिंग होती है वो हाई हीट पर जो है खराब होने लगती है और नॉन स्टिक की जो लेयर है वो बहुत ही जल्दी उतर जाती है, लेकिन सिरेमिक वाले जितने भी बर्तन होते हैं आप इजीली हाई फ्लेम पर चला सकते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ही जल्दी दाग धब्बे नहीं लगते, जैसे मान लीजिए आपका तवा के ऊपर दाग धब्बे लग भी गए तो काफी इजीली क्लीन हो जाते हैं। हॉकिंस का ये सिरेमिक तवा भी आपको गैस इंडक्शन सिरेमिक हैलोजन सभी कुकटॉप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 5 ईयर की वारंटी तो मिल ही रही है और रेट भी आपको काफी नॉमिनल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास में साइज रखी हुई है वो है 26 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर साइज की जो MRP मेंशन की गई है वो है 1350, मतलब 1350 रुपए, और अराउंड 10% के आसपास यहाँ पर आपको लेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिरेमिक तवे के अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेरे पास में एटेन जैसा बताया कि 26 सेंटीमीटर है, इसके अलावा आपको 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर वाले साइज भी देखने को मिल जाएंगे। आप अगर चाहें तो वो अगर बड़ा साइज परचेस करना चाहते हैं तो उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट तवा है वो है मेरे पास में फ्यूचरो का एक हार्ड एनोडाइज रोटी तवा।
ये जो हार्ड एनोडाइज रोटी तवे होते हैं ये भी 100% फूड ग्रेड होते हैं। जितने भी हार्ड एनोडाइज कुकवेयर होते हैं वो सारे के सारे 100% फूड ग्रेड होते हैं। यहाँ पर जो बेस मेटल यूज में लिया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम आपके खाने के साथ में बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, इसलिए इसके ऊपर इस तरीके की हार्ड एनोडाइज कोटिंग कर दी जाती है। इसकी वजह से फूड ग्रेड तो हो ही जाते हैं, उसके अलावा ये स्टेनलेस स्टील की तरह सख्त भी हो जाते हैं। मान लीजिए आपके हाथ से मिस हैंडलिंग होती है, तवा नीचे गिर जाता है, तो उसकी वजह से इस तवे के अंदर डेंट वगैरह आने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। यहाँ पर ये जो तवा है इसलिए खास है बिकॉज इसकी जो थिकनेस है वो आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलती है। आप देखेंगे नॉर्मल जितने भी इस टाइप के हार्ड एनोडाइज तवे मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं उनकी थिकनेस आपको अराउंड 2 mm, किसी की 3 mm या किसी की 4 mm देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इस तवे की जो थिकनेस है आपको बहुत ही बढ़िया 6.35 mm थिकनेस के साथ में ये तवा आपको देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से आप आराम से तेज आंच के अंदर कुकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज आंच में अगर आप रोटी चपाती पराठा बनाएंगे भी तो इसके अंदर खाना चिपकने के चांस काफी हद तक आपके कम रहेंगे। हालांकि ये जो तवा है इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नॉन स्टिक कोटिंग नहीं की गई है। ऐसे एल्यूमिनियम होने की वजह से इस तवे के अंदर इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितना इसका सेंटर गर्म हो रहा है उतना ये जो तवा है साइड से भी गर्म होगा, तो काफी अच्छे तरीके से आप इसके अंदर कुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस तवे की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। 2 रिवेट से इसके हैंडल को बहुत ही अच्छे तरीके से कसा गया है। हैंडल बेकेलाइट का देखने को मिलता है, स्टे कूल हैंडल है। साथ ही साथ रेट के अंदर आपको काफी नॉमिनल देखने को मिलता है। 26 सेंटीमीटर डायमीटर का ये जो तवा रखा हुआ है इसकी जो प्रिंट रेट है वो है 1210, मतलब 1210 रुपए, और अराउंड 10% के आसपास लेस लगा लीजिए, 1100 रुपए की रेट के अंदर ये तवा इजीली आप परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी वाकई में काफी अच्छी है, 5 ईयर की वारंटी इस तवे के साथ में भी आपको देखने को मिल जाती है। बेझिझक आप इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। सभी का बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इस टाइप की वीडियोज मैं लोकेश आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो सके। तो प्लीज मेरे साथ में बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।